नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ तो आज का वीडियो का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है आज रेडमी का 6A लाइट डिस्प्ले और आपका टच के बारे में सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो जिनको पता है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट जिनको नहीं पता है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो मैं रेडमी 6A का टच डिस्प्ले और डिस्प्ले लाइट के बारे में मैं आज डिटेल करने वाला हूँ, उसके बारे में उसका सोल्यूशन देने वाला हूँ कि कौन से कॉम्पोनेंट एग्जैक्ट सोल्यूशन दूंगा, कि क्या कंडीशन आया तो आप उसमें क्या क्या चेक कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो सारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है फ्रेंड, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे हमने आपको आज Redmi 6A का, तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताएंगे ऐप फाइंडर और सारी चीज़ें ऐप फाइंडर से ट्रेस करके आपको सारी चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये Redmi का 6A है फ्रेंड्स। Redmi का 6A हमने Xiaomi का ले लिया है। अब यहाँ पे हमें आज डिस्प्ले सेक्शन के बारे में आपको डिटेल करनी है। ये Redmi 6A का बोर्ड हो गया फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये Redmi 6A का PCB है। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन में जाएंगे। डिस्प्ले सेक्शन में जाने के बाद सबसे पहले हम डिस्प्ले की लाइट के बारे में सोल्यूशन लेते हैं, उसके बाद डिस्प्ले की ग्राफिक्स, उसके बाद हम फिर टच के बारे में सोल्यूशन लेंगे कि कहाँ से हमें कौन से आईसी पे काम करना है, कौन से कंपोनेंट्स पे काम करना है। ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे तो 100% आप अपना Redmi 6A बना लेंगे। तो ये देखिए उसका बोर्ड है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूंगा। ये अपर लोअर दोनों साइड का बोर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये Redmi 6A है, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन फ्रेंड्स, हम आपको तीन सोल्यूशन देंगे लाइट में, तीन सोल्यूशन देंगे आपको ग्राफिक्स में और तीन सोल्यूशन देंगे आपको टच में। तो पहला सोल्यूशन आपके सामने है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा। मतलब ये डिस्प्ले कनेक्टर के पास ही आपको यहाँ पे इतने सारे कॉम्पोनेंट्स आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और 7, 8, 9, मतलब पावर आईसी के पास 3 कॉम्पोनेंट्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टर के पास 6 कॉम्पोनेंट्स हैं, जिनको आपको चेक करके फ्रेंड्स आपको वहाँ पे इनको रिप्लेस करना है। मतलब पहले तो अगर वो आपको सीरीज पहले पता है कि शॉर्ट है कि क्या है, ओपन है, तो आपको पहले आपको चेक करना है इन कॉम्पोनेंट्स पे कि क्या कंडीशंस बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और पावर आईसी के पास 3 कॉम्पोनेंट्स। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये कनेक्टर के पास आपको 6 कॉम्पोनेंट्स को फाइंड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉम्पोनेंट्स कनेक्टर हो गया, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है इसमें, और यहाँ पे आपको 3 कॉम्पोनेंट्स को फाइंड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे भी आपको चेक करना है कहीं हमारे शॉर्ट ना हो, लीकेज ना हो गया हो, तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चेक करने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट्स पावर आईसी के पास और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है साफ साफ रिमूव और रिप्लेस करना है। मतलब ये शॉर्ट कंजेशन में भी आपके लाइट नहीं आएगी और हमारा जो लाइट होगा वो नहीं चलेगा। तो सेकंड सोल्यूशन पे चलते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं तो सेकंड सोल्यूशन में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल और केवल एक कॉम्पोनेंट्स है यहाँ पे आपका जो कि ओपन हो सकता है या लीकेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको यहाँ पे इस कॉम्पोनेंट्स को मैं आपको दिखा दूँ, ये कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे है जो कि एक रजिस्टर लगा हुआ है फ्रेंड्स, आपको इसको चेक करना है कि क्या ये एक्चुअल में ख़राब तो नहीं हो गया है सारी चीज़ें। तो इस कॉम्पोनेंट्स को आपको सेकंड में इसको आपको रिप्लेस या जंपर करना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस या जंपर, तो जाहिर सी बात है कि ये सीरीज कॉम्पोनेंट्स होगा और यहाँ पे ये ओपन हो चुका होगा। और देख सकते हैं बोर्ड में कहीं भी ब्लिंकिंग नहीं है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मतलब कहीं भी और ब्लिंक नहीं कर रहा है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये हमारा ओपन तो नहीं हो गया है। अब हम डायरेक्ट तीसरे सोल्यूशन पे चलेंगे जो कि सीधा आपको आईसी के बारे में पता चलेगा कि कौन से आईसीओ पे हमें वर्क करना है। अगर हमारा लाइट नहीं आ रहा हो तो हमें कौन से आईसीओ पे वर्क करना है फ्रेंड्स, तो आपको हम सारी चीज़ें यहाँ पे करके ही दिखाने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिकल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो ये प्रैक्टिकली है फ्रेंड्स। ये हमारा बोर्ड हो गया, हमें यहाँ पे सोल्यूशंस, क्योंकि एक सोल्यूशन कुछ नहीं होता है, आपको एक सोल्यूशन दे दिया गया कि यहाँ पे यहाँ से जंपर कर दो सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे परफेक्ट वीडियो सारा आपको यहाँ पे लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स।
अब हम तीसरे सोल्यूशन पे चलते हैं। तो तीसरा सोल्यूशन सीधा सीधा आपको पावर आईसी को रिवॉल्व करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद रिप्लेस करना है। फ्रेंड सबसे पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पे पावर आईसी लगी हुई है, यहाँ पे ये पावर आईसी लगी हुई है। तो इसको आपको, अगर लाइट आपकी नहीं आ रही है, अगर सप्लाई आपकी सही है, तो आपको कुछ नहीं, इसको आपको चेंज करना होगा फ्रेंड्स। तो ये जानकारी कहीं एक सोल्यूशन आपको मिल जाती है कि हमने एक जम्पर लगा दिया, फ़ोन ऑन हो गया, पर सबकी एक जगह से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये वीडियो मैं आपको इसीलिए परफेक्टली बना रहा हूँ। तो अगर आपका लाइट नहीं आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप ये तीन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका लाइट आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए तो अब हम चलते हैं सेकेंड, इसके ग्राफिक्स में चलते हैं, LCM। तो अब इसके पहले सोल्यूशन में चलते हैं फ्रेंड्स, कि हम अगर हमारा ग्राफिक्स डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला, हमें कनेक्टर के पास ही, हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के पास ही 1, 2, 3, 4 हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिसको हमें रिमूव करना है और रिप्लेस करना है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये हमारे कनेक्टर्स के पास, ये देखिए एक, ये दो, ये पैलर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। आपको चेक करना पड़ेगा सीरीज है, पैलर है। अगर ये शॉर्ट होते हैं तो आपको इनको रिमूव करना है। यहाँ पे भी कंपोनेंट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको माउस का सर्कल आपको घुमा के आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये डिस्प्ले कनेक्टर के पास 1, 2, 3, 4 और उसके कनेक्टर्स के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे ब्लिंक हो रहे हैं फ्रेंड्स, आपको उन कंपोनेंट्स को चेक करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको इसीलिए बोर्ड भी दिखा रहा हूँ क्लियर, और आपको यहाँ पे ट्रेसिंग बोर्ड भी दिखा रहा हूँ, दोनों चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। मतलब आपको यहाँ पे जहाँ पे वो ब्लिंक कर रहा है, और आपको यहाँ पे आपको इनको कंपोनेंट्स को चेक करना है कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं हो गए हैं, कहीं ये लीकेज तो नहीं हो गए हैं। अगर ये शॉर्ट लीकेज हो जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन काम नहीं करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो इस कंपोनेंट्स को आपको चेक करना है, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो इन कंपोनेंट्सों पे आपको टेस्टिंग करनी है, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। और इसके बाद हम जूम आउट करते हैं तो देखते हैं और भी इनका सोल्यूशन कहाँ पे जा रहा है। तो इनका सोल्यूशन एक यहाँ पे भी है, जो कि कंपोनेंट्स ऊपर लगा हुआ है, आप इस कंपोनेंट्स को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ, नेटवर्क सेक्शन में भी एक कंपोनेंट लगा हुआ है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्ट उसके अपर बोर्ड में भी बहुत सारे जगह पे हमारे ब्लिंक कर रहा है, तो आपको इन सारे कंपोनेंट्स को चेक करना है, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये आपको लीकेज और शॉर्टिंग के कंडीशन में रिमूव और रिप्लेस करना होता है। तो देख सकते हैं आप, इतने सारे ये हमारे सीपीयू के पास, और यहाँ पे सारे ब्लिंक कर रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने मैं कॉम्प्रेंट्स आपको दिखाना चाहूँगा, कि जहाँ तक जितने भी कॉम्प्रेंट्स हमारे ब्लिंक कर रहे हैं फ्रेंड्स, उतने कॉम्प्रेंट्स पे आपको चेक करना है। यहाँ पे ऊपर भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने कॉम्प्रेंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको चेक करना है पावर आईसी के पास, और PMI, PM, PML ये लगे होते हैं इनमें। तो ये आपको यहाँ पे जितने भी ब्लिंक हो रहे हैं फ्रेंड्स, उतने कॉम्प्रेंट्स पे आपको चेक करना है कि कहीं हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है, तो शॉर्टिंग और लीकेज कंडीशन में। अब चलिए दूसरे सोल्यूशन में चलते हैं हम। तो दूसरा सोल्यूशन, यहाँ पे एक अपर बोर्ड में कहीं भी ब्लिंक नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टर के पास ही आपको बताया जा रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, कनेक्टर के पास ही आपको यहाँ पे फ्रेंड्स जम्पर या रिप्लेस। तो जम्पर और रिप्लेस हम सीरीज कनेक्शन में करते हैं फ्रेंड्स, तो जम्पर और रिप्लेस आपको बोला जा रहा है कि आप जम्पर करिए या तो रिप्लेस करिए। तो फ्रेंड्स ये आपको नॉलेज, कंपोनेंट्स को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं सारे कंपोनेंट्स आपको ढूंढ के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मतलब इतने सारे जो कंपोनेंट लगे हैं, आपको वन बाई वन चेक करने हैं कि कोई भी कंपोनेंट्स हमारा ओपन तो नहीं हो गया। अगर ओपन हो गया है तो उसे हम रिमूव करेंगे या रिप्लेस करेंगे या शॉर्ट कर देंगे। तो चलिए हम इसमें दिखा देते हैं फ्रेंड्स आपको, ये देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है फ्रेंड, इनको चेक करना है, और ये कपलर को भी आपको सारे को चेक करना है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कंपोनेंट्स, ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये सारे कंपोनेंट्स यहीं पे दिए हुए हैं, मतलब सेम बोर्ड, कोई भी फेक वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को चेक करना है, अगर ये ओपन होगा तो ये कंडीशन में आपका ग्राफिक्स नहीं आएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सारा आपके सामने प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। तो चलिए तीसरे सोल्यूशन में चलते हैं इसके। तो तीसरे सोल्यूशन में फ्रेंड्स सीधा आपको पहले पावर आईसी पे काम करना है, इसको
पावर आईसी को मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा, तीसरा सोल्यूशन इसका ये है कि आपको पावर आईसी को सबसे पहले आप पावर आईसी को रिबॉल करेंगे, उसके बाद नहीं आता है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे फिर नहीं होता है तो आपको सीपीयू को रिबॉल करना है और आपका ग्राफिक्स आ जाएगा और कहीं पर भी कोई भी कॉम्पोनेंट्स आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपके लिए सारा चीज़, सबसे पहले आपको पावर पर काम करना है, फिर उसके बाद सीपीयू पर काम करना है, तब जाके आपका ग्राफिक्स आ जाएगा। तो चलिए अब हम टच की भी बात कर लेते हैं। हमने लाइट आपको एक ही वीडियो में तीन सोल्यूशन दे दिए हैं, आपको एक वीडियो में केवल एक ही जम्पर का या फिर एक ही सोल्यूशन मिल सकता है, पर एक वीडियो में आपको तीन तीन सोल्यूशन मिल गए हैं। तो चलिए अब टच की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो टच में हम बात करते हैं, तो टच में पहला सोल्यूशन, तो टच में हम पहला सोल्यूशन पे जाते हैं। तो वही आपको अब यहाँ पे देख सकते हैं, टच के लिए आपको जो कंपोनेंट दिख रहा है मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, जितने कंपोनेंट्स पे ब्लिंक हो रहा है फ्रेंड्स उतने कंपोनेंट्स पे आपको यहाँ पे इनके कैपेसिटर्स को या फिर जो भी डायोड लगे होंगे आपको उन कंपोनेंट्स को चेक करना है, कहीं ये लीकेज और शॉर्ट तो नहीं हो गए। मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जहाँ पे हमारा ब्लिंक हो रहा है आपको उन कंपोनेंट्स को चेक करना है, कहीं वो लीकेज तो या शॉर्ट या लीकेज तो नहीं है। अगर हो गए हैं तो इन्हें वो आपको रिमूव कर देना है या रिप्लेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा फ्रेंड्स ब्लिंक हो रहा है आपको वहाँ पे उस कंपोनेंट्स को फाइंड करना है और उस कंपोनेंट्स को रिमूव कर देना है, आपका टच वर्क करने लगेगा। तो चलिए सेकेंड सोल्यूशन में चलते हैं फ्रेंड्स। तो सेकंड सोल्यूशन में हम चलते हैं, तो सेकंड सोल्यूशन में केवल एक जगह आपको ब्लिंक दिखाई दे रहा होगा, जो कि मैं उसको जूम करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। एक जगह आपको यहाँ पे केवल इस कंपोनेंट्स को चेक करना है, उस कंपोनेंट्स को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्टर के पास ये यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो आपको वहाँ पे उसको चेक करना है कि वह ओपन है कि शॉर्ट है कि क्या हो गया है, आपको वहाँ पे चेक करना है। चेक करने के बाद आपको, देखिए मैं फिर से बैक करता हूँ इसको, और यहाँ पे आपको चेक करना है और केवल एक कॉम्पोनेंट है जिसको आपको चेक करना है कि वो ओपन तो नहीं हो गया है या लीकेज नहीं हो गया है। अगर ओपन हो गया है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, या तो जो कॉम्पोनेंट्स होगा आप वहाँ पे उसको जम्पर कर सकते हैं। तो चलिए तीसरे और लास्ट सोल्यूशन पे चलते हैं। तो आपको सीधा 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 पहले सबसे पहले पीएम पे काम करना होगा, फिर उसके बाद सीपी पे काम करना होगा फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।